वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज मेघा। एंड आज हम जो ये की होल्डर बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैं ये वुडन प्लैंक लूंगी। सो टू स्टार्ट विथ आई फर्स्ट अप्लाई अ कोट ऑफ वाइट acrylic color on this wooden plank. If you have gesso, you can also apply gesso on this. So let me tell you one thing guys, wood pe hum koi bhi cheez ki gesso ya acrylic paint ki coating isliye dete hain so that wo koi bhi color ko zyada absorb na kare. So now here using a normal pencil I'll just draw a rough sketch nahi, main basically kuch oval shapes banaungi. That will be my cat's face. Now here I will be using Fevicryl molded clay. इसमें दो parts होते हैं, एक resin होता है और एक hardener होता है। आपको मैं ये suggest करूँगी कि अगर आपको पूरा clay use नहीं हो तो उसे एक साथ आप mix ना करें, आप आधा आधा करके करें, क्योंकि एक बार मिक्स होने के बाद अराउंड 30-45 मिनट्स ही होता है आपके पास इसके लिए, उसके बाद ये हार्ड होने लग जाता है। यूजिंग अ टेलकम पाउडर आई विल बी गिविंग शेप्स टू माई क्ले। एंड मैंने यहाँ पे एकदम नॉर्मल शेप्स रखा है, नॉर्मल ओवल शेप, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं किया है मैंने, बस आई विल बी गिविंग शेप्स विथ माई फिंगर। एंड मैंने उसे फेविकॉल से स्टिक कर लिया है एंड यू आर गुड टू गो। आफ्टर स्टिकिंग ऑल माई क्ले आई मूव ऑन टू माई कलरिंग सेक्शन। ओवर हियर आई एम जस्ट अप्लाइंग टू लेयर्स ऑफ वाइट एक्रेलिक पेंट ऑन माई क्ले। For the background, I have taken a little bit of purple and I have mixed it with white color and I've got this color. This is light purple color. I will be giving two coats of light purple color. Now what I will be doing is I will just be making body parts of my cat using a normal pencil. In the beginning I just used black pencil but it was not visible in the camera, so I'm just using white pencil so that it is nicely visible to you guys. Now I will be taking different colors and I will be coloring all my cat. Let me tell you one thing guys, मैंने यहाँ पे ये जो की होल्डर बनाया है ये कैट के थीम पे बनाया है। आप कोई भी थीम पे की होल्डर्स बना सकते हैं, ऐसे फंकी लुक के की होल्डर्स कुछ अच्छे लगते हैं, घर का लुक और बढ़ाते हैं। मैंने एक ऐसा ही की होल्डर आउल थीम पे बनाया है, अगर आपको ये पसंद आए तो आप वो वीडियो भी ज़रूर जाके देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी काफ़ी सुंदर बना है। So please go and check that video. So additionally guys, this key holder was an order. मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला था इस तरीके का कुछ क्रिएट करने के लिए, तो मैं उनके लिए ये बना रही हूँ। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबके साथ ये शेयर करूँ। अगर आपको भी ऐसा कोई ऑर्डर प्लेस करना हो तो आप मेरे संग मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हैं। एंड आपको मेरा ये प्रोसेस कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। हियर आई विल बी यूजिंग ब्लैक कलर एंड आई विल बी मेकिंग डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द बॉडी ऑफ द कैट्स।
like to give you a suggestion, that is कि अगर आप चाहें तो इन्हें वॉल डेकोर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कि होल्डर की तरह अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप इन्हें ब्यूटीफुल वॉल डेकोर्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने किड्स के रूम में। So all my detailings are complete here and my cats are ready. Now I'll be applying varnish so that it gets a glossy finish. Here's a tip for you guys. Before applying a layer of varnish, you can also apply a layer of Mod Podge glue to preserve your work. And here is the final look. I have put in up the hooks here, so do let me know your views about this. Thank you.